हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टीट्यूड जैब। आज हम पार्टनरशिप देखेंगे, जिसे आप साझेदारी कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो रेशियो पे बेस्ड है, ठीक है, और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको रेशियोज का कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप इस टॉपिक को आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उन्हें पार्टनर्स कहा जाता है, और वो जिस रेशियो में, जिस अनुपात में वो पैसा लगाते हैं, उस अनुपात में उन्हें प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो सपोज मान लो कि दो लोगों ने, मानते हैं कि दो लोगों ने ए और बी हैं, उन्हें 3:2 में पैसा लगाया, तो उनका प्रॉफिट भी 3:2 में होगा, ठीक है। अगर मान लो ए ने 6,000 रुपये इन्वेस्ट किए और बी ने 4,000 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है, अगर प्रॉफिट 25,000 का होता है, ठीक है, तो ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा, ए और बी का 3:2 था, तो ए को तीन पार्ट मिलेंगे, पांच पार्ट में से ऑफ 25,000, ठीक है, और बी को मिलेगा दो हिस्सा 25 का। तो प्रॉफिट उसी रेशियो में जाएगा जिस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। अब कभी कभी क्या होता है, दो लोग अलग अलग समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे क्या होता है, ए ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बी बाद में ज्वाइन करता है, तो उस केस में प्रॉफिट क्या हो जाता है? अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू टाइम। तो बस आप ये याद रख लेना, पी इज इक्वल टू आई टी, जैसे फॉर्मूले होते हैं ना, अगर आप पी इक्वल टू आई टी याद कर लोगे तो रेशियो की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, ए ने क्या किया, ए ने मान लीजिए 6,000 रुपये इन्वेस्ट किए और बी ने 5,000 इन्वेस्ट किए, ठीक है। बी ने स्टार्ट किया था, बी ने पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, और ए 6 महीने बाद आता है, तो ए ने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ये आ गया आपका इन्वेस्टमेंट, ये आ गया टाइम, ठीक है। तो अगर इसको सिंपल रेशियो में लिख लेंगे तो ये 6:5 हो जाएगा और ये 1:2 हो जाएगा। तो इनका प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा 6:10, मतलब 3:5 में इनका प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर मान लो 8,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो ए को मिलेंगे 3,000 और बी को मिलेंगे 5,000। तो आपको क्या करना है कि इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियोज को मल्टीप्लाई कर देना है, तो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। कभी कभी क्या होगा, आपको प्रॉफिट का रेशियो दिया होगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया होगा, टाइम पूछा होगा। तो अगर आपको ये पता है कि पी इज इक्वल टू आई टी, अगर टाइम का रेशियो निकालना है तो प्रॉफिट का रेशियो अपॉन इन्वेस्टमेंट का रेशियो। इसी तरह से अगर आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है तो प्रॉफिट का रेशियो अपॉन टाइम का रेशियो। तो इसके सवाल करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो सबसे सिंपल सा सवाल कि ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और 84,000 और 56,000 रुपये लगाए, ठीक है, 84,000, 56,000। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट इज दिस, व्हाट इज द शेयर ऑफ ए इन द टोटल प्रॉफिट, ठीक है, 84 और 56 कितना है? 3:2 है कि नहीं? 28 × 3, 28 × 2, 3:2 है। अब ये पूछ रहा है शेयर ऑफ ए, टोटल पार्ट 5 पार्ट्स है, 3 + 2 5 पार्ट्स, ठीक है, और ए ने कितने इन्वेस्ट किए? 3 पार्ट्स। सो 3 पार्ट्स out of 5 × 2 = 5, ठीक है, 45 × 3 कितना होता है? 135। तो सिंपल, बहुत बेसिक सा सवाल। ए बी और सी डी ने एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, ए ने 1/3 पैसा लगाया, बी ने, बी पुट्स 1/4 ऑफ कैपिटल, सी इन्वेस्ट 1/5 ऑफ द कैपिटल एंड डी इन्वेस्ट द रिमेनिंग कैपिटल। फाइंड द शेयर ऑफ डी आउट ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ 18,000। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो रेशियो दिया ही नहीं है, इसमें फ्रैक्शन दिया है, पर फर्क क्या पड़ता है? जो जितना हिस्सा लगाएगा उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा। तो ए को कितना प्रॉफिट बन जाएगा? 18,000 का 1/3, तो ए को हो जाएगा 6,000 का प्रॉफिट, ठीक है। बी को कितना हो जाएगा? 18,000 का 1/4, यानी कि 4,500, ठीक है। सी को कितना हो जाएगा? 18,000 का 1/5, तो टोटल कितना हो गया? 81 + 60 = 141, टोटल प्रॉफिट ए, बस ए बी और सी को इतना प्रॉफिट मिल गया, और डी ने बाकी पैसा लगाया था, तो डी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 18,000 -14,100, यानी कि 3,900। तो
इसमें क्या करना है आपको, जिसने जितना हिस्सा लगाया है, जिसने 1/3 लगाया तो इसे 1/3 मिलेगा, इसने 1/4 लगाया इसे 1/4 प्रॉफिट मिलेगा, इसने 1/5 लगाया तो 1/5 प्रॉफिट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चित्रा इति एंड दिशा स्टार्टेड अ बिजनेस विद अमाउंट 50,000, ठीक है, इनने टोटल 50,000 का 50,000 से इन्वेस्ट किया। चित्रा इन्वेस्टेड 4,000 मोर देन इति एंड इति इन्वेस्टेड 5,000 मोर देन दिशा, ठीक है। एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स टोटल प्रॉफिट वॉज 35,000, वॉट वॉज द प्रॉफिट शेयर ऑफ चित्रा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा सा लग रहा है, इसको सिंपल तरीकों में करते हैं। जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं कि जहां पे सेम जीरोस रखते हैं ना, वहां पे आप जीरोस को भूल जाओ, ये हजार हजार की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम जैसे आम भाषा में बात करते हैं ना, कितने का आया, मान लो मैंने कहा कि लैपटॉप कितने का आया, आप कहते हो 40 का आया, ठीक है, तो वो अंडरस्टूड होता है 40,000 का होगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी वही भाषा यूज करनी चाहिए, ठीक है। 50 लगाए, इसने 4 ज्यादा लगाए और इसने 5 ज्यादा लगाए दिशा से, तो हमने देखा कि चित्रा ने ईशा से ज्यादा, इति से ज्यादा लगाए और इति ने दिशा से ज्यादा लगाए, ठीक है। तो सपोज दिशा ने एक्स लगाए, ठीक है, ₹1 लगाए, तो इति ने कितने लगाए, x+5, ठीक है। फिर चित्रा ने 4,000 मोर लगाए, मतलब x+9, और टोटल कितना दिया, 50,000, टोटल इनने 50 लगाए, ठीक है, तो 3x+14 50 हो गया, 3x 36 आ गया, यानी कि x=12, मतलब दिशा ने 12,000 लगाए। हमें किसका निकालना है, चित्रा का निकालना है, तो भूल जाओ, x+9 कितना हो गया, 21, 21 लगाए और कितना कितना था टोटल 50। रेशियो क्या होता है, इसने 21 लगाए 50 में से, तो 21/50 35,000 करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो और ये सब भूल जाओ, 5 से 35 7 हो गया, 21 × 7 147, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विद 3,500 एंड आफ्टर 5 मंथ्स बी जॉइन्स विद ए एस एस पार्टनर, आफ्टर अ ईयर द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3, व्हाट इज बीज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द कैपिटल। अब देखो, अब जो मैंने वो आपको कॉन्सेप्ट बताया था, बस आपको ये याद रखना है, पी इज इक्वल टू आई टी, ठीक है, आई इंटू टी। अब आपको क्या निकालना है, बी का कंट्रीब्यूशन निकालना है, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट ढूंढना है, ठीक है। तो आप क्या कर लोगे, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या हो जाएगा, पी अपॉन टी, ठीक है। अब प्रॉफिट का रेशियो क्या है, 2:3, प्रॉफिट की अगर बात करें ए और बी का रेशियो है 2:3, ठीक है। और टाइम का रेशियो कितना है, ए स्टार्ट विथ 3,500 एंड आफ्टर 5 मंथ्स बी ज्वाइंस, ठीक है। और एक देखो, पूरे 1 साल तक चला, ठीक है, और ए ने पूरा 1 साल लगाया, तो ए का टाइम तो हो गया 12, और बी का टाइम कितना हो गया, बी ज्वाइंट आफ्टर 5 मंथ्स, मतलब 7 महीने के लिए बी ने इन्वेस्ट किया, तो बी का हो गया 7। तो अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/6:3/7, ठीक है। अब इसको अगर आप सिंपल उसमें लिख लोगे तो 42 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो मतलब आ जाएगा 7:, इसको अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको 6 से कर दोगे, 7:18, ठीक है। अब ए ने कितने लगाए थे, 3,500, मतलब 5 गुना, तो 18 का 5 गुना कितना हो जाता है, 90, तो इसने लगाएंगे 9,000। तो इस तरह से आप ऐसे सवालों को सॉल्व करते हो, बस ये ध्यान रखना है पिट, ठीक है, पी इज इक्वल टू आई टी। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, हमें टाइम का रेशियो पता है, हमें टाइम पता है तो हम टाइम का रेशियो निकाल देंगे, हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद कैपिटल्स इन द रेशियो 4:5, आफ्टर 3 मंथ्स ए विड्र्यू 1/4 ऑफ हिज कैपिटल एंड बी विड्र्यू 1/5 ऑफ हिज कैपिटल, गेन एट द एंड ऑफ 10 मंथ्स वॉज 38,000, ए शेयर इन द प्रॉफिट इज। अब इस तरह के सवाल जिसमें बीच में वो अपना पैसा निकाल देते हैं, एक तरह का ये इन्वेस्टमेंट भी होता है जिसमें बीच में पैसा निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसे किस तरह से करना है, इसे पहले हम जैसे मैंने क्या बताया था, पी इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन टू टाइम, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, ए और बी ने दो पार्ट में से सॉल्व करेंगे, पहले क्या करेंगे कि पहले इनका इन्वेस्टमेंट कितना था, 4:5 में इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, और कितने टाइम के लिए था,
3 मंथ के लिए था, पहले 3 मंथ तक इनका 4:5 था, ठीक है, तो इनका कितना बन गया, इनका बन गया 12, 12 हो गया और 15 हो गया, ठीक है। फिर इनने क्या किया, दूसरे पार्ट में इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, ए ने 1/4 पार्ट निकाल दिया, ठीक है, ए ने अगर 4 रुपए डाले थे तो 1/4 निकाल देगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। और बी ने कितना निकाल दिया, बी ने 1/5 निकाल दिया, बी ने 5 इन्वेस्ट किया था, 5 का 1/5 कितना होता है, 1, सो रिमेनिंग इज 4। और टाइम कितना है, देखो टोटल एट द एंड 10 मंथ्स है, ठीक है, और ये कितने महीने बाद हुआ है, 3 महीने बाद, तो यहां से 3 महीने बाद ये निकाल दिया तो ये रिमेनिंग हो गया 7 महीने के लिए, ठीक है, तो ये कितना आ गया 21 और ये आ गया 28, ठीक है। अब एक ए और बी का टोटल कितना आ जाएगा, ए का पहले 12 लगाया था फिर 21 लगा दिया तो टोटल हो गया 33, और बी ने लगाया था 15 और 28, 43, तो 33:43 में इनका प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो कितने पार्ट्स हो गए टोटल, 76, ए का कितना हो गया 33/76, ए का पूछा, ठीक है, तो 33/76 टोटल, और कितने से मल्टीप्लाई करना है हमें, 38,000 से, ठीक है, 76 × 5 380 होता है, ठीक, 33 × 5 कर लोगे 165 आंसर आ जाएगा। तो जिस केस में बीच में पैसा निकालते हैं उस केस में क्या करना है, आपको दोनों पार्ट्स में निकालना है, वही P=I×T निकालना है और फिर उन दोनों पार्ट्स को रेशियोज को ऐड कर देना है, ठीक है, पहले इनको मल्टीप्लाई करके निकालना है कितना प्रॉफिट बनेगा, फिर उसे ऐड कर देना तो वो उनका प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से इसे किया जाता है। ए बी एंड सी इन्वेस्टेड कैपिटल्स इन अ बिजनेस इन द रेशियो 2:3:4 एंड दे रिसीव्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2, ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम फॉर विच द कैपिटल्स वाज इन्वेस्टेड, ठीक है, अब वही चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, पी इज इक्वल टू आई टी, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा, टाइम पूछा है, रेशियो ऑफ टाइम पूछा है, तो देखो अगर प्रॉफिट पूछेंगे तो इन्वेस्टमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, रेशियोज को, रेशियोज में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें टाइम का रेशियो पूछा तो हम क्या कर देंगे, टाइम क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, जैसे एक बार हमने इन्वेस्टमेंट निकालना तो प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 4:3:2, और ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 2:3:4, इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2:1 और 1/2, तो इसे क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो आ जाएगा 4:2:1, 4:2 का 1 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है, अगर आपको टाइम भी दिया है तो प्रॉफिट का रेशियो होता है इन्वेस्टमेंट का रेशियो इंटू टाइम का रेशियो, तो अगर हमें टाइम का रेशियो निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन टाइम कर लेंगे। अब एक ये इस तरह का केस भी आता है जिसमें क्या करते हैं कि पैसा कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर, जैसे दान कर देते हैं या फिर टैक्स भर देते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, प्रेरित और महेश ने 10:13 में इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब ये टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है, अगर 8% ऑफ प्रॉफिट गोज टू चैरिटी एंड शेयर ऑफ महेश इज 8,320, ठीक है, अब पहले क्या होगा, पहले चैरिटी में चला जाएगा, ठीक है, तो 100% प्रॉफिट था, 100% से 8% चैरिटी में चला गया तो कितना बचा, 92% बचेगा, ठीक है। अब शेयर ऑफ महेश, महेश ने किस रेशियो में इन्वेस्ट किया था, 13 पार्ट्स, महेश ने 13 पार्ट्स इन्वेस्ट किए थे, टोटल कितने पार्ट्स थे, 23, 13 + 10 = 23, अब ये 92 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 4 गुना यानी कि 52, ठीक है, 52%, 52% कितना दिया है, 8,320, ठीक है। तो देखो 50%, अब यहाँ पे रफ कैलकुलेशन कर लो कि अगर 16,000 लोगे, 16,000 का 50% कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा 8,000, ठीक है, और 2% कितना हो जाएगा, 320, मतलब ये 52% बन रहा है ना, तो ये 16,000 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसे केस होते हैं कि किसी में टैक्स दे देते हैं या फिर
टैक्स देना होता है या चैरिटी में चला जाता है, तो पहले उस पार्ट को निकाल देते हैं, ठीक है, इसको पहले हटा दिया, फिर बाकी को उस रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। अब देखते हैं एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है, इसमें क्या होता है, सक्रिय और असक्रिय हिस्सेदार या साझेदार। अब इसमें क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, मैंने कहा कि मैं पैसे लगाऊंगा पर मैं काम नहीं करूंगा, मैंने खाली पैसे दे दिया, तुम बिजनेस चलाओ। तो जो खाली कुछ काम नहीं करता है उसे असक्रिय कहते हैं, और जो काम करता है उसे एक्टिव या फिर वर्किंग पार्टनर भी कहते हैं, ठीक है, वर्किंग पार्टनर भी कहते हैं, और स्लीपिंग पार्टनर को इनएक्टिव पार्टनर भी कहा जाता है। कहीं पे इनएक्टिव लिखा होगा, कहीं पे स्लीपिंग लिखा होगा, ठीक है, सक्रिय असक्रिय हिंदी में कहते हैं। तो इस केस में कैसे करते हैं सवाल को, ये समझते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो ए और बी दो हिस्सेदार हैं, ठीक है, ए और बी ने 5:3 में पैसा लगाया, ठीक है, अब ए एक्टिव है और बी स्लीपिंग है, बी कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डील होती है, डील होती है, तो इनने डील की कि ए को 20% प्रॉफिट मिलेगा बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है, अब ए को 20% प्रॉफिट मिलेगा बिजनेस चलाने के लिए, और सपोज टोटल प्रॉफिट है 10,000 रुपए का, ठीक है। अब हमें निकालना है ए का कितना प्रॉफिट होगा, बी का कितना प्रॉफिट होगा। तो पहले जो मैंने लिखा है कि टोटल प्रॉफिट 10,000 है, अब इससे प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग बिजनेस कितना है, 20%, मतलब 2,000 एक्टिव पार्टनर के खाते में चला गया। अब कितना बच गया रिमेनिंग, 8,000। अब 8,000 को क्या करना है, इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब ए को कितना मिल जाएगा इसमें से, 5/8 ऑफ 8,000, ठीक है, और बी को मिल जाएगा 3/8 ऑफ 8,000, ठीक है, यानी कि ए को मिल जाएगा 5,000 इससे मिल जाएगा, और बी को यहां से मिल जाएगा 3,000, ठीक है। तो वर्किंग पार्टनर को कितना मिल जाएगा, जो एम है, जो मैनेज बिजनेस मैनेज करने का प्रॉफिट है, 2,000 प्लस प्रॉफिट फ्रॉम दिस, मतलब 5,000 यहां से मिल जाएगा, तो ए को मिल जाएगा 7,000 और बी को मिल जाएगा 3,000। तो जो एक्टिव होता है उसको, एक्टिव या वर्किंग पार्टनर उसे कहां से मिलता है, उसे जो मैनेजिंग वाला बिजनेस, जो एम वाला प्रॉफिट होता है वो भी मिलता है, और इससे भी मिलता है, इससे फिर रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। तो इसके एक आध एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। एक बिजनेस में बी स्लीपिंग पार्टनर है और ए वर्किंग पार्टनर है, ए पुट्स 10,000 एंड बी पुट्स 12,000, तो ए रेशियो बी कितना हो गया, 5:6, ठीक है, ए रिसीव्ड 12.5%। अब देखो ये ध्यान रखना, 12.5% 1/8 होता है, ये मैंने परसेंटेज के चैप्टर में बताया था, ठीक है। अब रेस्ट इज डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, एज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ 44,000 इज, अब प्रॉफिट कितना है, 44,000 का है, तो पहले 1/8 निकाल दो, 44,000 का 1/8 कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40 और 5, तो 5,500 आ गया, ठीक है। अब रिमेनिंग कितना हो जाएगा, ये जो हम एम वाला बात कर दे, मतलब मैनेजमेंट का जो पार्ट होता है वो 5,500 हो गया। अब रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 44,000 में से आप 5,500 घटा दोगे तो आएगा आपका 38,500, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है कि ए का हिस्सा निकालना है, तो ए को कितना मिलेगा, ए को मिल रहा है 5 हिस्से, ए ने 5:6 में इन्वेस्ट किया ना, 5/11, टोटल पार्ट्स कितने, 11 है, ऑफ 38,500, चलो 00 रहने दो, इससे डिवाइड करके देख लो, 33,550, मतलब 175, 17,500 हो गया, ठीक है। और यहाँ 5,500 मैनेजमेंट का हिस्सा मिल जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 23,000, 5.5 और 17.5, 23,000 ए को मिल जाएगा। और बी का हिस्सा पूछेंगे, अगर बी का हिस्सा पूछा होता तो सीधे सीधे 6/11 ऑफ ये हो जाता, 38,500 का ये हो जाता है, बी का हिस्सा हो जाता, या फिर आप टोटल में से भी माइनस कर सकते हो, ठीक है, टोटल में से भी माइनस कर सकते हो निकाल के, और अगर खाली ए का पूछा है तो ए के लिए आप ऐसे निकालोगे, बी का सीधे सीधे निकाल सकते हो,
चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ए इज अ वर्किंग पार्टनर एंड बी इज अ स्लीपिंग पार्टनर इन अ बिजनेस। ए पुट्स 3,000, बी इन्वेस्ट 5,000। तो एक और सवाल उसी तरह का है। ए 3:5 में लगाया पैसा, ठीक है। ए रिसीव्स 10% ऑफ प्रॉफिट, और ठीक है टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 32,000। तो 32,000 में से जो मैनेजमेंट का पैसा होगा वो कितना होगा, 3,200, ठीक है। तो रिमेनिंग पैसा कितना हो जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा 32,000 माइनस 3,200, ये आ गया 28,800, ठीक है। अब इसमें हमें ए का पूछा फिर से, ठीक है, और ए वर्किंग पार्टनर है, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 3/8 पार्ट ऑफ 28,800, तो आ जाएगा 36, हो गया 108, ठीक है। और 3,200 किसके आ गया, ये बिजनेस मैनेज करने के लिए, तो टोटल हो गया 14,000। ए का प्रॉफिट हो गया 14,000। तो इस तरह से हम वर्किंग और एक्टिव और स्लीपिंग दोनों तरह के पार्टनर्स का हम वो निकाल सकते हैं पैसा, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा पार्टनरशिप का चैप्टर। इसमें हमने देखा कि पार्टनरशिप में क्या करना होता है। पार्टनरशिप पूरा रेशियो बेस्ड है, ठीक है। अगर सेम मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, या फिर टाइम वाला हो जाएगा। तो पार्टनरशिप का मतलब है जितना प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो दूसरा हमने देखा था एक्टिव और स्लीपिंग वाला कॉन्सेप्ट, कि किस तरह से हम उन्हें निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपको ये कॉन्सेप्ट इससे समझ में आ गया होगा। और इसी तरह के इसमें सवाल पूछे जाते हैं, तो हर तरह के सवाल इस वीडियो में कवर कर लिए गए हैं।